स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की। जी हाँ, तीसरा मुकाबला कल यानी कि न्यू ईयर के बाद यानी कि 3 तारीख को शुरू होगा और पाकिस्तान ने 2 मुकाबले गवा दिए हैं। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर, जिन्होंने टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, उनके साथ एक बड़ी घटना हो चुकी है। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करा जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बैगी ग्रीन, अब बैगी ग्रीन क्या होती है ये हम आपको आगे बताएंगे बैगी ग्रीन के बारे में, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई वो खो चुकी है और प्लीज इसको ढूंढने में मदद करें और ये मेरी जो बैगी ग्रीन है इसको मुझे वापस जरूर कर दें। अब बताते हैं कि बैगी ग्रीन होती क्या है। बैगी ग्रीन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में, जिसे बोले कि टेस्ट क्रिकेट में हम बात करें, तो ये कैप होती है जो कि एक डेब्यूटेंट को मिलती है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करता है, जो खेलता है उसको ये कैप दी जाती है। और इस कैप में नंबर पड़ा होता है कि ये कौन से नंबर का खिलाड़ी जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, उसमें उसका नंबर पड़ा होता है। तो उसी कैप को लगाकर ऑस्ट्रेलिया के जो सभी क्रिकेटर्स लगभग खेलते हैं, टेस्ट मुकाबले खेलते हैं, और यही परंपरा 1900 में ऑस्ट्रेलिया में चालू हुई थी और 1900 के दशक में ये चालू हुई थी और तब से ये परंपरा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में, हम बोल लीजिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट में, ये सारी चीजें मतलब लगातार चल रही हैं। अब बैगी ग्रीन की अहमियत क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ये फर्स्ट कैप होती है और टेस्ट क्रिकेट में माना जाता है कि इसको बहुत ही ट्रेडिशनली एक तरीके से बहुत सम्मान की बात मानी जाती है, क्योंकि टेस्ट कैप भाई इतनी आसानी से नहीं मिलती है और उसको जिसे बोले कि ऊन से इस कैप को बनाया जाता है और हैंडमेड ये कैप होती है, ऊन से इसको बनाया जाता है और जो कि फिर सभी को बांटी जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है पहला मुकाबला खेलता है तो उसको ये बैगी ग्रीन दी जाती है। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि बैगी ग्रीन डेविड वार्नर की खो गई है और आपको याद हो कि डेविड वार्नर पहले ही टेस्ट से और ओडीआई से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन इस कैप की अहमियत उनके लिए बहुत ज्यादा है। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक ये तो कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया सरकार इसको किसी भी तरीके से ढूंढ कर लाए, इसके लिए अगर जासूस भी लगाने पड़ जाए तो वो जासूस को भी लगाए। हालांकि शान मसूद ने ये मजाक में बातें करी, लेकिन फिर भी एक बहुत ज्यादा इमोशनल पोस्ट डेविड वार्नर की तरफ से देखने को मिला जिसमें उन्होंने बताया कि भाई प्लीज इसको ढूंढिए और मुझे वापस करवाइए। मतलब उन्होंने बोला कि अगर ये मतलब खो गई है तो मुझे वापस इसको मतलब दे दीजिए मेरी बैगी ग्रीन, क्योंकि मेरे लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आपको याद हो शेन वॉन जो ऑस्ट्रेलिया दिग्गज स्पिनर रहे थे, हालांकि वो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी कैप का जैसे बोले कि बोली लगी थी उसको नीलाम किया गया था और वो नीलाम एक अच्छे कॉज के लिए था। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी जिसके लिए उस कैप को नीलाम किया गया था। अगर आज के हिसाब से हम बात करें तो 8 करोड़ रुपए में उस बैगी ग्रीन को नीलाम किया गया था। 8 करोड़ रुपए उस कैप की कीमत थी। आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इस बैगी ग्रीन की अहमियत कितनी ज्यादा होती है। शेन वॉन की वो बैगी ग्रीन जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए थी और जो कि अच्छे कॉज के लिए वहां पे उसकी बोली लगाई गई, 8 करोड़ रुपए, ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी थी जिसके लिए, जिसकी हेल्प के लिए, जिसको बुझाने के लिए ये सारी चीजें करी गई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेविड वार्नर की बैगी ग्रीन क्यों ज्यादा इतनी इम्पोर्टेंट है और वो क्यों मतलब इसको वापस हासिल करना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद जय भारत।